हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स बताए जा रहे हैं बैक टू बैक यहाँ पर टारगेट हिट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाके वीडियोस को देखा करें, सीखा करें, ताकि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बिरला सॉफ्ट 300 रुपए पे यहाँ पर चल रहा है। अगर मैं बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड अगर आपको बातें बताऊँ, तो बिरला सॉफ्ट मैंने आपको काफी बार यहाँ पर रिकमेंड किया है बहुत पहले, और इसके बाद हमने यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिटर्न भी कमाए हैं। यहाँ देख सकते हैं बिरला सॉफ्ट के KPIT, यहाँ पर ये एक साल पहले भी बताया था, और फिर क्या रिटर्न मिले थे वो भी आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर 9 मंथ्स पहले भी बताया था कि बिरला सॉफ्ट में किस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आएगी। ओके, यहाँ पर अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से यहाँ पर वीडियोस बनाई गई है, और बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड एज वेल एज KPIT से रिलेटेड यहाँ पर बार बार वीडियोस बना के आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से इन स्टॉक्स को खरीद के फायदे में रह सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें, बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या लेवल्स है, कि कब हमें यहाँ पर खरीदना है, एज वेल एज हम बात करेंगे क्या अभी खरीदना चाहिए, क्या हमें निकल जाना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को हिट नहीं करते, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बट बेल आइकन को हिट नहीं करते, तो वीडियोज नहीं मिल पाती। तो सीखे, शायद कोई ऐसी वीडियोस आपकी किस्मत चेंज करते जो हम यहाँ पर बताते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक स्टॉक्स बताया था जिसका नाम भारत वायर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, भारत वायर 4 वीक पहले आपको बताया था, क्यूक रिटर्न 85% के मैंने आपको बताए थे। ओके, तो यहाँ पर भारत वायर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाऊंगा बहुत जल्दी कि किस तरीके से हमने यहाँ हमारे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है इसके जो टारगेट है ओके वो यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जब ये शेयर बताया गया था उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आया, लगभग लगभग टारगेट धीरे धीरे अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अपने टारगेट मोस्टली अचीव ही हो गए, तो यहाँ पर चीजें दोबारा आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। और यहाँ पर देखिए शेयर केवल भाग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके के शेयर और पाने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, एज वेल एज हमारी क्लासेस। ओके, हम यहाँ पर बैच शुरू करने वाले हैं, तो 1 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू होने वाला है। नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, ओके, आप यहाँ पर इन नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। ओके, इन नंबर पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जहाँ पर हम आपको क्या सिखाते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिए, हमें आपको यहाँ पर सिखाते हुए नजर आएंगे एकदम सारी बेहतरीन चीजें, बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर आएगी। किस तरीके से यहाँ पर आपको स्टडी करनी है, किस तरीके से स्टॉक्स पिक करने हैं, कोई भी आपको सब चीज नहीं सिखाता, और लाइव रिकॉर्डिंग लाइव चीजें रहेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड लाइन नहीं रहेगी कि हमने पहले बना लिया हो फिर आपको बताया हो। काफी लोग केवल यही बनाते हैं और ऐसे ही भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिखाया जाएगा, साथ में हैंड होल्डिंग दी जाएगी, 6 महीने तक आपके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या सही करना चाहिए, आपको क्या गलत कर रहे हैं, वो सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, टेक्निकल सिखाएंगे बेसिक्स टू एडवांस, ताकि आप यहाँ पर कभी भी पीछे न रहे। तो अपने आप को एनरोल कर लीजिए, नीचे ये नंबर्स जो हमारे दे रखे हैं इन पे कॉन्टेक्ट करिए। ओके, आप यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। बिरला सॉफ्ट आईटी की कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। ओके, बिरला सॉफ्ट में से ही यहाँ पर एक शेयर निकला था जिसका नाम है KPIT। ओके, जो मल्टीबैगर साबित हुआ। बिरला सॉफ्ट की बात बताऊं तो 150 पे मैंने ये पहली बार स्टॉक्स बताया था, उसके बाद इसने लगभग 586 का हाई बनाया था, तो 150 से 586 को काउंट कर लीजिए कि कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं। उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, स्टिल 100% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर अभी भी आपके पास है। इसके अलावा बात करें, बिरला सॉफ्ट इज एंगेज इन द, अभी क्या मेरे पास शेयर है? बिल्कुल नहीं है, मैं पहले ही यहाँ पर एग्जिट 500 रुपए के लेवल पर मैं एग्जिट करके निकल गया था जब शेयर नीचे गिर रहा था। अब दोबारा यहाँ पर खरीदा जा सकता है, काफी बेहतरीन शेयर नजर आता है। यहाँ पर बात करें, एंगेज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी कंसल्टिंग टू इट्स कस्टमर, प्रीडोमिनेंटली इन बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, लाइफ साइंस सर्विसेज, एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर बात करें, ये जो कंपनीज है मोस्टली सारी के सारे जितने भी कंपनीज है या जितने भी यहाँ पर बिजनेसेस है उसे अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता है, और काफी बेहतरीन कंपनी है। डिजिटल सर्विसेज यहाँ लगभग 38% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। ओके, और अलग अलग सेगमेंट से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आता है, जिसमें डाटा एनालिटिक्स एज वेल एज बात करें कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक क्लाउड ब्लॉकचेन,
एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरीके की यहाँ पर ये सर्विसेज यहाँ पर देता हुआ नजर आता है. व्हाट वी डू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा क्लाउड, ब्लॉकचेन कनेक्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ पर और देखना ओरेकल एंड जीडी एडवर्ड और अच्छे अच्छे AWD, और इनके क्लाइंट की बात करें तो अच्छे अच्छे यहाँ पर इनके क्लाइंट यहाँ पर नजर आते हैं. तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी. फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो याद रखिए मार्केट कैप कंपनी का, मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है. मैं हमेशा बताता हूँ देखिए पैसा बनेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बनेगा, लार्ज कैप में रिस्क नहीं रहेगा, बट यहाँ पर रिस्क भी उतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 600 रुपए से स्टॉक्स 300 रुपए आ गया है विद इन अ फ्यू मंथ्स, लगभग 3-4 महीने के अंदर अंदर 50% का आपका जो पैसा है किसी ने टॉप पे खरीदा होगा जा चुका है. ओके, बट क्या हमें दोबारा ये लेवल मिलने देंगे? अगर कंपनी अच्छी होगी, आपने अच्छी कंपनी को चूज किया है, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा इस लेवल पर ये शेयर जाएगा, बल्कि यहाँ नहीं रुकेगा, और भी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे. बट आपको विश्वास रखना होगा, आपको शेयर को पकड़े रहना होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा परेशानी जरूर होगी, बट ऑब्वियसली बात है चीजें यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी. अच्छी कंपनी है, अगर मल्टी बैगर रिटर्न्स इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग ही दिए होंगे. यहाँ पर देखिए 18 पैसे का इसका भी स्टॉक्स हुआ करता था और 600 रुपए पे चल रहा है, तो यहाँ पर याद रखिए मल्टी बैग करोड़पति बनाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने. अगर किसी ने 2 पैसे का ये स्टॉक्स लिया होता तो करोड़पति हो चुका होता. इसके अलावा एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्प्लिट हुआ है. ओके, दो बार 2005 में स्प्लिट हुआ, 2007 में स्प्लिट हुआ, दो बार बोनस मिल चुका है, 2007 में 2012 में यहाँ पर बोनस मिल चुका है. तो कंपनी बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है. कंपनी का यहाँ पर देखिए डीमर्जर हुआ था, KPIT इसमें से अलग हुई थी 2019 में, ये क्या रिटर्न दे चुकी है देख लीजिए, एज वेल एज बाईबैक 500 रुपए का जुलाई में इसका बाईबैक निकला था. शेयर मतलब कंपनी ने यहाँ पर 500 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे हैं और अभी 318 पे चल रहे हैं, तो 500 तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा, इसे थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए. यहाँ पर बात करें डिविडेंड, कंपनी लगातार बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पर देती हुई नजर आई है. 70 पैसे से आप रखिए 3 रुपए तक डिविडेंड पहुंच गया है. क्यों डिविडेंड कैसे बढ़ रहा है? ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छा काम कर रही है तभी यहाँ पर डिविडेंड बढ़ रहा है. इसके अलावा बात करें कंपनी के रिजल्ट की, रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं. कंपनी का मार्जिन पे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ एट्रिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट जो बढ़ती हुई नजर आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर पहले लॉकडाउन था, इसके बाद यहाँ पर इनका लॉकडाउन खत्म हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वीजा ट्रिप्स इनके बिजनेसेस मोस्टली बाहर के ही होते हुए दिखाई देते हैं, यूरोप अमेरिका. एज वेल एज बात करें यहाँ पर जो एट्रिशन कंपनी में होता हुआ नजर आया आईटी में, हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट पड़ा है. बट कंपनी का प्रॉफिट देखिए स्टिल यहाँ पर हाईएस्ट, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर नंबर पे पहुंची हुई है. ईपीएस अच्छा खासा है और कंपनी के सेल्स की बात करें लगातार सेल्स बढ़ी है. यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें लगातार बढ़ा है. तो कोई भी यहाँ पर कंट्रीज और आईटी तो इंडिया के, इंडिया आईटी की वजह से ही जाना जाता है, तो आईटी पीछे नहीं रहने वाला, नीचे आ सकता है पीछे नहीं रहने वाला, इस चीज को याद रखिए. रिजर्व्स की बात करें 2500 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग ना के बराबर है, 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगे, 840 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट. कैश की बात करें 385 करोड़ का कैश है, कैश फ्लो पॉजिटिव है. एज वेल एज बात करें हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 40% की. FIs की बात करें, FIs 15% के आसपास है. ओके, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कम करी है पिछले 2-3 क्वार्टर में. DIS की बात करें, DIS भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% के आसपास है एज इट इज, यहाँ पर लगातार हिस्सेदारी बढ़ी है. पब्लिक के पास 23% के शेयर है, वो 23 में भी यहाँ पर आशीष धवन, आशीष कचौलिया सर भी यहाँ पर कभी थे, मुकुल अग्रवाल सर भी यहाँ पर थे, तो शेयर काफी बेहतरीन है, किसी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब बात करते हैं बी सॉफ्ट की, तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन गिरावट ऑलरेडी हो गई है. शेयर का हमने रिजल्ट देख लिए, इस कंपनी के रिजल्ट देख लिए, क्या बेकार रिजल्ट है? बिल्कुल भी बेकार रिजल्ट नहीं है, जस्ट प्रेशर में है. जस्ट बिकॉज इनके बिजनेस यूरोप और अमेरिका से आते हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन के डर के मारे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे बैक स्टेप एक बार लिया हुआ है, दैट्स इट. और कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है. 45% की गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा. बार बार देखिए इसी लेवल पे आके रुक रही है, तो यहाँ पर एक बॉटम ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, अब केवल ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे जाने का रास्ता नहीं है. बट स्टिल आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए ये वाला, कितना का
306 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दी थी। नीचे आता है इससे तो थोड़ा बहुत शायद और गिर जाए और यहाँ पर 277 तक का आ जाए तो 30-40 रुपए का डाउनसाइड नजर आता है। और ऊपर का लेवल की बात करें तो ऊपर खुला आसमान है, जितना चाहे परिंदा उड़ सकता है, जितना चाहे अच्छे रिजल्ट देख सकता है। और यहाँ पर देखिए दोबारा वॉल्यूम शुरू हो गए हैं, वॉल्यूम अच्छे खासे आ गए हैं। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पहले राउंडिंग बॉटम बनेगा और यहाँ पर देखिए कप विन हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, बार बार एक्युमुलेशन हो रहा है और इसी तरीके से एक्युमुलेट चीजें की जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर नीचे लाया जाता है, एक्युमुलेशन होता है, फिर एक साथ भगा दिया जाता है। और जब भागते हैं शेयर तो यहाँ पर देखिए 6%, 4%, 10% इस तरीके से भागते हुए नजर आते हैं, फिर आपके हाथों में नहीं आने वाले, फिर आप ऊपर के लेवल पे नहीं लेंगे, आप नीचे के लेवल पे नहीं लेंगे, फिर आप किसी भी लेवल पे नहीं लेंगे, फिर आप केवल एक ही लेवल पे लेंगे। और वो लेवल कौन सा होगा? वो लेवल होगा ऊपर वाला, जब ये शेयर यहाँ 600 रुपए पे होगा, फिर आप कहेंगे चलो ले लेते हैं, उस टाइम आप फंसते हुए नजर आएंगे। चीजें अच्छी नजर आती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है, कुछ पैसे का स्टॉक 600 रुपए पे पहुंच चुका है, जहां पर दो बार बोनस, दो बार स्प्लिट हो चुका है, डिविडेंड कंपनी दे रही है। मैं बात नहीं करना चाहता और आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, नीचे नंबर दे रखा है, कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आप एनरोल कर लीजिए, ताकि एनरोल एक बार कर लेंगे, सब कुछ सिखाएंगे। 6 महीने तक क्लास होगी जहाँ पर बेसिक टू एडवांस रिसर्च यहाँ पर सब चीज यहाँ पर सिखाते हुए हम यहाँ पर नजर आएंगे। एज वेल एज ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर हम डेली वीडियोज डालते रहते हैं, डेली वीडियोज के साथ साथ यहाँ पर चार्ट पहले ही डाल देते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।